लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। कंगना रनौत को बॉक्स ऑफिस पर पंगा लेने में बहुत मजा आता है। एक बार फिर उनका बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला होने वाला है। इस बार कंगना का महासंग्राम रानी मुखर्जी के साथ है। उनकी फिल्म थलाइवी 26 जून 2020 को रिलीज हो रही है। वहीं रानी मुखर्जी और सैफ अली खान की फिल्म बंटी और बबली 2 भी 26 जून को ही सिनेमा घरों में होगी। दोनों एक रेसेस के बीच बॉक्स ऑफिस पर जमकर टक्कर होने वाली है। इससे पहले कंगना की बॉक्स ऑफिस पर जंग वरुण धवन के साथ हुई थी। बीते कुछ दिनों से इस फिल्म की शूटिंग अबू धाबी में चल रही थी। इसके बाद अब टीम ने अपने इस शेड्यूल की शूटिंग खत्म कर दी है। पिछले कई दिनों से फिल्म को अबू धाबी में शूट किया जा रहा था। बंटी और बबली 2 में रानी और सैफ सीनियर बंटी और बबली के रोल सैफ और रानी देखेंगे। दोनों इससे पहले हम तुम और तारा रमपम जैसी बड़ी हिट फिल्में दे चुके हैं। इस फिल्म में नए बंटी के रूप में गली बॉय हंक सिद्धांत चतुर्वेदी नजर आएंगे, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से एमसी शेर की भूमिका निभाई थी। इस फ्रेंचाइजी के जरिए वाईआरएफ की ओर से एक नई हीरोइन को लॉन्च किया जा रहा है। शर्वरी पर्दे पर बबली के रूप में नजर आएंगी, जिनकी तलाश वाईआरएफ ने 2 साल पहले की थी और तब से उन्हें तैयार किया जाता रहा है। वहीं फिल्म थलाइवी जयललिता की बायोपिक है। इस बायोपिक का बजट 55 करोड़ के आसपास है। तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषाओं में होगी। इस फिल्म के लिए कंगना रनौत ने 20 करोड़ फीस चार्ज की है। कंगना इस फिल्म को कंटेंट बेस्ड फिल्म बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। न केवल कंगना अपनी भूमिका के लिए अच्छी तरह से रिसर्च कर रही हैं, बल्कि उन्होंने शास्त्रीय डांस के लिए खास ट्रेनिंग भी ली है। कंगना को अपने हर किरदार को पर्दे पर जीवंत करने के लिए जाना जाता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही करने की उम्मीद की जा रही है।